गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। सब रावण पति रावे है, जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया वही गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया वो पूर्ण पद निर्वाण। दत्ता जिया को मेले दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खोट हरा हुआ वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले वो देई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उलंघिया तीन दिवस तीन रात, आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ। आसन असल कबीर हैं ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मंड एक सो समझ ले ये दो में कैसी रेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से, कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं सतगुरु होते हैं तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस पांच तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो टूटा फूटा हो काला हो पीला हो सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो चार दाग माने जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं, कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी स्वाहा कर देता है जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना के ऊपर डाल देते हैं पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते हैं वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में वो है उसका शरीर, और वो उस चार दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु
कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए करे, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है सत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस। और पक्षी अलग है, यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे, जब आपकी भक्ति आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती, एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए वो दुखी हो रहा है, अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे, कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति ये भी मरे, ये भी छोड़ गए इतने शरीर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।